26 जुलाई की शाम बिहार में सिर्फ 2.5 घंटे का सियासी ड्रामा चला और फिर से नई बोतल में पुरानी शराब की तरह नीतीश कुमार वापस आ गए। जाहिर सी बात थी कि नीतीश के इस चाणक्य दांव से आरजेडी बौखला उठी थी। आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव भी एकदम से एक्टिव मोड में आ गए और दावा किया कि आरजेडी नीतीश की नई नवेली सरकार के खिलाफ कानूनी एक्शन ले सकता है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई नीतीश की सरकार पर कानूनी संकट आ सकता है? क्या रातों रात हुए इस राजनीतिक फेरबदल पर कोर्ट सख्त रुख अपना सकता है? चलिए आपको बताते हैं वो 3 वजहें कि नीतीश की नई सरकार पर आखिर कानूनी संकट क्यों आ सकता है। वजह नंबर 1, बड़ी पार्टी होने के बावजूद आरजेडी को न बुलाना। देखिए, ये बात तो सच है कि संख्या बल के हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। ऐसे में नीतीश के इस्तीफा देने के बाद आरजेडी को राज्यपाल द्वारा सबसे पहले ना बुलाने पर एक राजनीतिक पेंच तो खड़ा होता ही है। राष्ट्रीय जनता दल अगर चाहे तो इस बुनियाद पर कोर्ट में जा सकती है और कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई कर सकती है। वजह नंबर 2, शपथ ग्रहण के समय में आकस्मिक बदलाव। सियासी चक्रव्यूह का एक दूसरा पेंच और भी है जो आरजेडी के लिए कानूनी तौर पर मजबूत दाव पेंच बन सकता है, और वो है शपथ ग्रहण में आकस्मिक बदलाव। पहले राज्यपाल ने नीतीश कुमार को शाम 5 बजे शपथ ग्रहण का वक्त दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव का दावा है कि जब उन्होंने राज्यपाल से मिलने के लिए वक्त मांगा तो फिर अचानक नीतीश के शपथ ग्रहण का नया वक्त आनन-फानन में सुबह के 10 बजे कर दिया गया। शपथ ग्रहण के वक्त की आकस्मिक अदला बदली भी आरजेडी के लिए एक धारदार हथियार हो सकती है। वजह नंबर 3, बिहार के कार्यवाहक राज्यपाल के शेड्यूल पर सवाल। बिहार के कार्यवाहक राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी जिस तरह बिहार आए और फटाफट वहां की राजनीतिक सरगर्मियां बदली, उससे भी साफ पता चला कि सारा गेम पहले से ही सेट था। बिहार के कार्यवाहक राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी के बिहार आगमन और उनके एक्शन पर आरजेडी कोर्ट में जा सकती है। साफ सी बात है कि नीतीश सरकार के खिलाफ अब आरजेडी के पास 2 ही हथियार बचे हैं, पहला कोर्ट जाने का और दूसरा जनता के दरबार में जाने का। अब जनता के दरबार में जाने का मौका तो सालों बाद आएगा, लिहाजा हो सकता है कि आरजेडी जल्द ही नीतीश सरकार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा दे। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।